नमस्कार दोस्तों, डिजिट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बजट सेगमेंट्स में आने वाले बेस्ट कैमरा फोन्स के बारे में, जो फ़ोन 15,000 रुपये की कीमत में एक अच्छा कैमरा ऑफर करते हैं। अगर पिछले कुछ समय के स्मार्टफोन्स को देखा जाए तो बजट सेगमेंट्स में आने वाले स्मार्टफोन्स के कैमरा क्वालिटी को उतना अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन अगर आज के समय में लॉन्च हुए कुछ स्मार्टफोन्स को देखें तो ये हाई एंड के कई स्मार्टफोन्स को टक्कर देते हैं और एक अच्छा कैमरा ऑफर करते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो 15,000 रुपये की कीमत में एक बेस्ट कैमरा ऑफर करते हैं। Xiaomi Redmi Note 5 Pro। इस स्मार्टफोन में एक 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है। ये कैमरा Sony IMX486 सेंसर है। इसके साथ ही इस सेंसर का साइज 1.25 UM है और इसका अपर्चर f/2.2 है। इस फ़ोन में एक 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी दिया गया है जो डेप्थ सेंसिंग के लिए है। इसका सेंसर साइज 1.12 UM है और यह f/2.0 अपर्चर से लेस है। पर्याप्त रोशनी की स्थिति में कैमरा विवरणों की एक अच्छी मात्रा को कैप्चर करता है और इसमें 5 रंगों का प्रोडक्शन भी होता है। कलर रिप्रोडक्शन को कुछ एग्जैग्रेटेड कहा जा सकता है, हालांकि ये उतना ख़राब भी नहीं है। अंत में इसे एक नॉर्मल यूज़र के लिए बेहतर कहा जा सकता है। लो लाइट में ली गई तस्वीरें भी अच्छी नज़र आती हैं। इसके कैमरा की डायनामिक रेंज भी अच्छी है। कम रोशनी में ली गई तस्वीरों में आपको डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। अगर आप हमसे पूछें तो हम इसके कैमरा को Mi A1 की तरह ही अच्छा कहेंगे, हालांकि कुछ मामलों में यह Mi A1 को पीछे पछाड़ देता है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 15,000 की कीमत में Xiaomi Mi A1 एक टॉप रेटेड स्मार्टफोन है। इसके सेकेंडरी कैमरा से आपको ऑप्टिकल जूम नहीं मिलता है। ऐसा कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से इमेज की क्वालिटी बढ़िया हो जाती है और सब्जेक्ट आदि को आप बढ़िया से कैप्चर कर पाते हैं। अभी तक हमने इस कैमरा से जो भी तस्वीरें ली हैं उनमें पोर्ट्रेट तस्वीरों को इसके प्रतिद्वंदियों में सबसे बढ़िया कहा जा सकता है। Xiaomi Mi A1। इस मामले में पिछले साल का विजेता अब दूसरे नंबर पर आ पहुंचा है। इस स्मार्टफोन को डुअल कैमरा के साथ लॉन्च किया गया था और यह ज़बरदस्त बोके इफेक्ट वाली तस्वीरों के साथ किसी भी रोशनी में अच्छी तस्वीरें लेने में सक्षम है। अगर आपको एक फ़ोन चाहिए जो स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है और जिसमें ज़बरदस्त डुअल कैमरा मौजूद है, तो यह स्मार्टफोन आपके लिए ही बना है। मोटो G5 प्लस। इस लिस्ट में एक और स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ मौजूद है जिसका नाम मोटो G5 प्लस है। इसमें एक डुअल कैमरा मौजूद है जिसके माध्यम से आप बढ़िया तस्वीरें खींच सकते हैं। साथ ही इसके माध्यम से बढ़िया वाइट बैलेंस भी नज़र आता है। फ़ोन में कैमरा से बढ़िया कलर्स के साथ फ़ोटो ली जा सकती हैं और अगर फ़ोटो की ओवरऑल बात करें तो यह ज़बरदस्त है। इस रेंज में यह बढ़िया कैमरा कहा जा सकता है। कलर कुछ वार्म हैं लेकिन इसके बाद भी अच्छे दिखते हैं। Honor 7X में भी एक डुअल कैमरा मौजूद है। इसमें आपको एक 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा कॉम्बो मिल रहा है। बढ़िया रोशनी में इसके माध्यम से ली गई तस्वीरें काफ़ी अच्छी हैं, हालांकि कम रोशनी में ली गई तस्वीरों से आप कुछ निराश हो सकते हैं। इस रोशनी में तस्वीर कुछ नॉइजी दिखाई देती हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि यह डुअल कैमरा के साथ आया है तो हम इससे एक बढ़िया बोके इफेक्ट की भी उम्मीद करते हैं, लेकिन इसका बोके महज ठीक ठाक ही परफॉर्म करता है। Redmi Note 5। हालांकि Redmi Note 5 स्मार्टफोन का कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी कुछ अच्छी तस्वीरें लेने में सक्षम है। कुछ मामलों में इसका कैमरा इसकी ही पीढ़ी के पुराने स्मार्टफोन से बेहतर लगता है। इस स्मार्टफोन के माध्यम से आप कुछ अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं और इसके परिणाम से खुश भी हो सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि यह कुछ और बेहतर हो पाता। तो ये थे 15,000 रुपये की कीमत में आने वाले बेस्ट कैमरा फोन्स। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।